हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, फाइनली खेसारी लाल यादव का एक गाना आ चुका है, आरा में 2.0, जो कि बहुत फेमस सॉन्ग था, शायद उसका दूसरा वर्जन है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। आपका काम है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पे आते हैं डायरेक्ट। ये जो इनकी बीट होती है ना, टुकुटुक टुकुटुक, जो पीछे से ये बेस लाइन आती है, अलग ही होती है यार। नया साल होवे पार्टी मनियाज, देखो बढ़िया से काम ना चली। अब वही ठो न छिला पियाज, नया साल होवे पार्टी मनियाज। जो बैकग्राउंड में ये आवाज़ देते हैं ना, वो भी बहुत मेन काम करते हैं इस गाने के अंदर, क्योंकि पावर डाल देते हैं वो भी, जो पीछे से बैकग्राउंड सिंगर जो गा रहे हैं ना, एक नंबर का काम है यार। एक तो सबसे पहली बात, मेरे को एक चीज़ इनकी ये खास लगती है, जिस हिसाब से ये मॉडल लेते हैं ना भोजपुरी गाने में, एक नंबर की लेते हैं। मतलब अच्छा डांस करती है, अच्छे रिएक्शन देती है, मतलब पूरे गाने में जान डाल देती है, नज़र नहीं हट पाती यार। मतलब इनको ही देखता रह जाता है बंदा, गाने में कुछ समझेगा उससे पहले इनसे नज़र नहीं हटती तो क्या समझेगा यार। ठीक है, ये वाली बीट मेरे को काफी अच्छी लग रही है। जो अब आइए देखो, जगदीशपुर ताजा ना दे लो सो, यही से आरा चल गई। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ तो खा दब के। तो न्यू ईयर पे भाई ने गाना दे दिया आप लोगों को, क्या ही चाहिए यार। जो भी यार भोजपुरी सुनते हैं ना, मैं ये समझता हूँ ब्लेस करते होगे आप, जिस हिसाब से आपको हर सॉन्ग पार्टी टाइप का ही मिलता है नाचने वाला। ठीक है, मेरे को यार भोजपुरी समझ आती ना काश, तो मेरे गाने ना और भी ज़्यादा मैं लूप में सुनता ऐसे गानों को। मेरे कई ऐसे खेसारी लाल यादव के कई सॉन्ग ऐसे भी हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में रहते हैं, जो मेरे को अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं फील में जाने के लिए ऐसे गाने सुन लेता हूँ, मूड बनाने के लिए मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जिस हिसाब से भाई चल रहा है ना, बहुत सही जाता है। मतलब बंदे के ना देखते, मैं इतना पर्सनली नहीं जानता खेसारी लाल को, लेकिन देख के पता लग जाता है कि ये बंदा कितना डाउन टू अर्थ होगा, कैसा बंदा है। ठीक है, जिस हिसाब से मुर्गी को पकड़ रहा था ना, बंदे को पता लग जाता है देखते ही कि यार कैसा बंदा होगा ये। ओवरऑल गाने की एक बात जो मैं आपको बता रहा था, कि बैकग्राउंड सिंगर काफ़ी
मेन काम करते हैं इसके अंदर, और मॉडल जिस हिसाब से ये लेते हैं हर गाने में, और वीडियो जिस हिसाब से शूट करते हैं ना, मतलब वीडियो के कलर देख लो आप, वीडियो की क्लैरिटी देख लो, मतलब बहुत टॉप लेवल पे चला गया है आजकल भोजपुरी गाने। सारेगामा एक तो लेवल पे आ रहे हैं गाने, और धड़ाधड़ हर मतलब 10 दिन के अंदर इनका एक गाना आता है और वो ट्रेंडिंग सेक्शन पे होता है। अभी मैं ट्रेंडिंग सेक्शन खोल के बैठा था, 5 गाने लगातार खेसारी लाल यादव के ही थे। तो यार क्या कर रखा है, मतलब धमाका। एक बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में जब कॉम्बिनेशन हुआ, वो होता कॉम्पिटिशन हुआ था, तो साउथ इंडस्ट्री आगे निकल गई थी ना, ऐसे ही भोजपुरी गाने भी धीरे धीरे बहुत आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो यही था यार, और मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि सजेशन देते रहा करो, कमेंट करते रहा करो। आपको बताया था मैंने कि स्ट्राइक आ गई थी मेरे चैनल पे, रीच रुक गई है, तो उसकी वजह से मुझे पता है कि खेसारी लाल यादव ही मेरे चैनल को उठाएगा वापस से, क्योंकि मेरे को पता है इनकी पावर। और इनके फैंस को भी बोलना चाहूँगा चैनल को सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब जरूर करो, और ऐसे ही प्यार करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, पीस आउट।